पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, इस पर रहेगी हमारी नजर। आज चुनाव आयोग करेगा विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में होने वाले हैं चुनाव। चुनाव आयोग तीनों राज्यों की तारीखों का ऐलान करने वाला है। दोपहर 2:30 बजे नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय चुनाव को लेकर ईसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तैयारियों के बारे में बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं आज की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कैबिनेट बैठक होने जा रही है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि मीटिंग में एजेंडा क्या होगा। साल 2023 की ये पहली कैबिनेट की बैठक है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की आज हिमाचल प्रदेश में एंट्री हो गई है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल के कांगड़ा के खटोटा से शुरू हुई। हिमाचल बॉर्डर पर मुख्यमंत्री सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत सुक्खू सरकार के मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। यात्रा में हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा कि मौजूदा सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचती। भारत जोड़ो यात्रा हिंसा नफरत के खिलाफ, देश में नफरत और हिंसा का माहौल है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान काठगढ़ के प्राचीन मंदिर शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आगे बढ़ते हैं तीसरी ब्रेकिंग न्यूज से। आगे बढ़ते हुए चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की आज खम्मम में विशाल रैली है। रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जी राजा शामिल होंगे। जनसभा को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा अपना नाम बदलकर BRS करने के बाद उसकी पहली जनसभा हो रही है। आगे बढ़ते हैं पांचवी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मेघालय का दौरा करेंगी और इस दौरान वो उत्तरी गारो हिल्स में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। बताया जा रहा है कि मेघालय में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी पूर्वोत्तर भारत में अपनी शाख को मजबूत करने के लिए मेघालय में पूरे जोर शोर से ध्यान दे रही हैं। बता दें कि ममता बनर्जी ने पिछले महीने ही मेघालय का दौरा भी किया था, आपको याद होगा। छठी खबर, RJD नेता सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। CM नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी को लेकर ये नोटिस जारी उन्हें किया गया है। नोटिस में सुधाकर सिंह द्वारा गठबंधन धन की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगा। साथ ही आपत्तिजनक बयान से भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। पार्टी ने 15 दिन के भीतर सुधाकर सिंह से जवाब भी मांग लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और सातवीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पीएम मोदी कल कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में करीब 49,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से जुड़ी 10,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें 7 सीवेज शोधन संयंत्र, सड़क परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास शामिल है। अब आठवीं बड़ी खबर, आज यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का वर्चुअल उद्घाटन होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती में उद्घाटन स्थल पर ही मौजूद रहेंगे। पीएमओ ने ये जानकारी देते हुए कहा कि खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है, जो कि बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। जोशीमठ से है, भू धसाव के खतरे को देखते हुए आज शिफ्ट किया जाएगा नरसिंह मंदिर का खजाना। खजाना मंदिर परिसर से निकालकर पीपल कोटी गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। मंदिर के खजाने में 30 से 35 क्विंटल चांदी और 40 से 45 किलो सोना का अनुमान है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि GSI की रिपोर्ट में फिलहाल नरसिंह मंदिर को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियातन खजाने को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी के बीच ठंड और शीतलहर से कपकपाया है उत्तर भारत। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आने वाले 2 दिन और गिरेगा पारा। ठंड और शीतलहर का असर दिल्ली NCR में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शीतलहर के चलते राजधानी में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सर्दी के सितम के बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली, UP, पंजाब और राजस्थान में हो सकती है बारिश। पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज़।